डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द टुडे ई लेक्चर ऑफ सी बी एम आर कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट रिसर्च यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर लेक्चर नंबर फोर्थ इन लेक्चर नंबर फोर्थ वी विल स्टार्ट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल्स एंड वी विल डिस्कस होवर्ड सेट मॉडल ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग इन डिटेल सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल्स हैं क्या बेसिकली अलग अलग रिसर्चर्स हुए हैं जिन्होंने कंज्यूमर्स के ऊपर रिसर्च किया है कि कैसे उनकी नीड अराइज होती है और कैसे वो फाइनली प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसके बेस पर उन्होंने कुछ जर्नलाइजेशन दिया है कि अगर ये सिचुएशन होती है तो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स ऐसा बिहेवियर शो करते हैं तो उन्हीं को ही उन्होंने क्या बोला है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल्स बोला है तो कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली क्या है कि कंज्यूमर डिसीजन लेता है कि कैसे उसे अपने रिसोर्सेज को चाहे वो टाइम हो मनी हो एफर्ट हो उन्हें यूज करना है यूटिलाइजेशन करना है कंज़म्पशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर यानी कि क्या ख़रीदना है कब खरीदना है क्यों खरीदना है कहाँ से खरीदना है कितनी बार खरीदना है कैसे उसे यूज करना है कैसे उसे डिस्पोज करना है तो इसकी जो डिटेल्ड स्टडी होती है वो कंज्यूमर बिहेवियर होता है और डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि कस्टमर के पास कोई भी नीड होती है तो उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो उनमें से वो बेस्ट ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग बोलते हैं तो अलग अलग रिसर्चर्स ने जो ये प्रोसेस बताया है स्टेप्स बताए हैं तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल्स बोलते हैं तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हावर्ड सेट मॉडल इसका दूसरा नाम है मशीन मॉडल तो ये हावर्ड और सेफ ने ये मॉडल दिया था और उन्होंने इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दोनों को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल दिया था उनके अकॉर्डिंग कंज्यूमर का बिहेवियर जैसे ही सिचुएशन आती है चेंज हो जाता है इनकम्प्लीट in इन्फॉर्मेशन की कंडीशन में उसका बिहेवियर अलग होता है और कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के केस में उसका बिहेवियर अलग होता है और उसी के बेस पे ही वो डिसीजन लेता है तो उन्होंने तीन टाइप का बिहेवियर बताया था एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग और रूटीनाइज्ड रिस्पांस बिहेवियर एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब है जब कोई भी कस्टमर लेस फ्रीक्वेंटली और हाई प्राइस प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट को परचेज करता है तो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती तो वो सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी कस्टमर को जिसने आज तक पहले कभी कार परचेज नहीं की है वो फर्स्ट टाइम कार परचेज़ कर रहा है तो ये उसका कैसा बिहेवियर होगा एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा वो सारे शोरूम्स में जाएगा सब गाड़ियों की सब कार्स की इंफॉर्मेशन लेगा वेबसाइट भी सर्च करेगा एडवर्टाइजमेंट्स भी देखेगा और उसके बाद जो जो फीचर्स हैं क्राइटेरिया हैं उनके बेस पर इवोल्यूशन करेगा तो इसे हम क्या बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं क्योंकि इसमें इस बिहेवियर में कस्टमर जब प्रोडक्ट की नीड अराइज होती है और उसे प्रोडक्ट परचेज करना होता है तो उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है नेक्स्ट क्या है लिमिटेड प्रॉब्लम सोल्विंग जब कस्टमर एक बार उस प्रोडक्ट को परचेज कर चुका होता है और जब दोबारा उस प्रोडक्ट को परचेज करना होता है तो उसके पास पहले से ही तीन या चार ऑप्शन्स होते हैं वो उन्हीं ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन को क्या करता है सेलेक्ट करता है तो उसके पास पार्शल नॉलेज ऑलरेडी होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं जैसे कि कोई पर्सन अब दूसरी बार गाड़ी परचेज कर रहा है तो उसे पता है कि कौन कौन सी कंपनीज कार बनाती हैं किस किस कंपनीज़ के कौन से ब्रांड्स हैं मॉडल्स हैं तो उसने डिसाइड कर रखा है कि लेनी है तो या तो मारुति की हुडई की और फोर्ड की इन तीन कंपनीज में से किसी एक कंपनी की हैचबैक लेनी है तो वो क्या है 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 लिमिटेड प्रॉब्लम जैसे कि कोई पर्सन वो स्पोर्ट्स शूज परचेज करना चाहता है तो उसने पहले से ही उसके पास इंफॉर्मेशन है कि मैं नाइकी एडिडास या रिबोक इन तीन में से ही किसी एक ब्रांड को परचेज करूंगा तो इसे हम क्या बोलते हैं लिमिटेड प्रॉब्लम सोल्विंग बोलते हैं नेक्स्ट क्या है रूटीनाइज रिस्पॉन्स बिहेवियर कई बार जो लो प्राइज्ड और हाई फ्रिक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट हैं तो जब कस्टमर उन प्रोडक्ट को परचेज करने जाता है तो घर से ही पहले ही ब्रांड को डिसाइड कर रखा होता है या कई बार कंपनी जो हाई प्राइज और लेस फ्रिक्वेंटली प्रोडक्ट्स परचेज हैं उनको वो बार बार परचेज कर रहा है तो उसके पहले से ही ब्रांड डिसाइड होता है तो वो दुकान पर जाकर प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करता वो डायरेक्ट जो डिमांड करता है वो किसकी करता है ब्रांड की करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं रूटीनाइज्ड रिस्पांस बिहेवियर बोलते हैं जैसे किसी को शूज चाहिए थे तो डायरेक्ट शॉप पर जाकर है रिबोक के शूज़ की डिमांड कर रहा है या प्यूमा के शूज़ की डिमांड कर रहा है तो वो क्या है रूटीनाइज रिस्पॉन्स बिहेवियर है जैसे किसी को गाड़ी चाहिए थी हैचबैक में तो वो डायरेक्ट है बैलिनों को परचेज कर रहा है या टाटा एल्ट्रोज को परचेज कर रहा है या कोई कस्टमर डायरेक्ट आई ट्वेंटी को परचेज कर रहा है तो वो क्या है रूटीनाइज रिस्पॉन्स बिहेवियर है तो ये मॉडल है ये लर्निंग कॉन्सेप्ट को बोरो करता है कि पहले एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में कस्टमर की लर्निंग नहीं होती है जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी लर्निंग होती जाती है उसको एक्सपीरियंस नॉलेज मिलती जाती है तो उसका बिहेवियर है वो एक्सक्लूजिव से रूटीनाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर की तरफ आ जाता है तो एक्सक्लूजिव से रूटीनाइज प्रॉब्लम सोल्विंग बिहेवियर में आने में बेसिकली फोर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसका उन्होंने क्या नाम दिया इनपुट वेरिएबल्स आउटपुट वेरिएबल्स हाइपोथेटिकल कंस्ट्रेक्ट्स और एक्सोजीनियस वेरिएबल नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज वेरिएबल्स वन बाई वन उसके बाद में एक बार ये डायग्राम को हम लास्ट में वापस से समझेंगे अभी तो हम पढ़ लेते हैं फोर हैं इनपुट्स उसके बाद आप देखोगे आउटपुट्स हाइपोथेटिकल कंस्ट्रेक्ट जिसको परसेप्चुअल कंस्ट्रेक्ट्स भी बोलते हैं और एक्सोजीनियस वोरीबल्स बोलते हैं तो हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट बेसिकली परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट और लर्निंग कंस्ट्रक्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है तो इसको हम वापस जब एक बार सारे टॉपिक्स या सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे तब वापस देखेंगे तो सबसे फर्स्ट क्या है स्टीमलेस इनपुट या इनपुट वेरिएबल्स वो सारे सोर्सेज वो सारे स्टीमलेस जिनसे कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं इनपुट वेरिएबल्स बोलते हैं तो ये बेसिकली इंफॉर्मेटिव क्यूज होते हैं प्रोडक्ट के बारे में सर्विस के बारे में ऑफ़र्स के बारे में प्रोडक्ट की क्या प्राइस है क्या क्वालिटी है क्या फ़ीचर हैं क्या सर्विस है कहाँ अवेलेबल है तो बेसिकली जो ये इंफॉर्मेशनल क्यूज़ या स्टीमलेस इनपुट्स हैं ये थ्री टाइप से हो सकते हैं सिग्निफिकेटिव सिम्बोलिक और सोशल तो जो सिग्निफिकेटिव और सिंबॉलिक है ये कमर्शियल होते हैं और मार्केटर इन्हें कंट्रोल कर सकता है और जो सोशल होते हैं ये नॉन कमर्शियल होते हैं और मार्केटर के कंट्रोल में नहीं होते ये फैमिली रेफरेंस ग्रुप्स या सोशल क्लास से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये जो तीनों स्टीमलेस के टाइप हैं ये बेसिकली प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में कस्टमर्स को इनपुट देते हैं तो सिग्निफिकेटिव स्ट्यूमलेस का क्या मतलब है दीज इंफॉर्मेशनल क्यूज मे बी सिग्निफिकेटिव इन दैट दे में इमिनेट फ्रॉम द प्रोडक्ट इट्सल्फ आप मार्केट में थे आपने हुडे की आई ट्वेंटी का नया मॉडल देखा वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई है तो आपको उसके डायमेंशनस पता चल रहे हैं आपको उसका एक्सटीरियर पता चल रहा है आपने ग्लासेस से अंदर देखा तो आपको उसका इंटीरियर पता चल रहा है तो आपको प्रोडक्ट से ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो क्या है सिग्निफिकेटिव स्टिमुलस है आपने किसी के पास नया स्मार्टफोन का ब्रांड देखा तो आपने उस प्रोडक्ट को हाथ में लिया तो आपको लाइट वेट लग रहा है आपने उसकी कैमरा क्वालिटी देखी आपने उसके प्रोसेसर की स्पीड देखी तो ये सब क्या है प्रोडक्ट से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है तो इसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेटिव स्ट्यूमलाई सेकेंड क्या है सिंबोलिक स्ट्यूमलाई तो ये बेसिकली जो मार्केटर है वो प्रमोशन करता है इनपर्सनल सोर्सेज के थ्रू एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन इनके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो क्या है सिम्बोलिक स्टीमलाइज जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल हुंडई की आई ट्वेंटी के अपडेटेड मॉडल की या टाटा एल्ट्रोज की आपने न्यूज़पेपर में एड देखी या फिर आपने टेलीविज़न पर है टेली मीडिया में किसी मैच के बीच में एड देखी या कोई टेलीविज़न शो के बीच में एड देखी तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया नेक्स्ट क्या है सोशल स्ट्रीमलाई आपके किसी फ्रेंड सर्किल में या फैमिली में किसी ने हुडई की आई ट्वेंटी गाड़ी ली तो उसने आपको आई ट्वेंटी के बारे में बताया उसका इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स यू एस पी कम्फर्ट इकोनॉमी तो ये सब किस्म आएंगे आपके सोशल स्ट्रीमलाई में आते हैं तो ये सबसे फर्स्ट क्या हो गया आपका स्टीमलेस इनपुट या इनपुट वेरिएबल सब नेक्स्ट क्या है हाइपोथेटिकल कंस्ट्रैक्ट्स अब चाहे हमें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो या नहीं हो जो भी सिग्निफिकेटिव इनपुट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं वो इन्फॉर्मेशन आगे जाके प्रोसेस होती हैं तो हावर्ड और सेठ ने हाइपोथेटिकल कंस्ट्रेक्ट को टू पार्ट में डिवाइड किया परसेप्चुअल कंस्ट्रैक्ट और लर्निंग कंस्ट्रैक्ट तो परसेप्चुअल कंस्ट्रेक्ट से जो इन्फॉर्मेशन है उसकी माइंड में प्रोसेसिंग होकर उस प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में परसेप्शन बनता है और लर्निंग कंस्ट्रक्ट से हमें उस प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में लर्निंग होती है तो ये जो पार्ट है हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट ये इस मॉडल का सेंट्रल पार्ट है और साइकोलॉजिकल वेरिएबल है जो कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लेता है तो उसको इन साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स के थ्रू पास आउट होना पड़ता है तो फर्स्ट क्या है परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट नाम से ही पता है कि जितने भी स्ट्यूमलेस इनपुट हैं इनके थ्रू जो इंफॉर्मेशन आती है उनकी आगे प्रोसेस होकर परसेप्शन बनता है तो कैसे बनता है सबसे फर्स्ट क्या है अटेंशन आप टेलीविजन देख रहे हो न्यूज़पेपर देख रहे हो तो आप अटेंशन दोगे तभी तो इन्फॉर्मेशन आगे प्रोसेस होगी आप मार्केट में हो कोई नया व्हीकल है तो आपने उसे अटेंशन दी तभी तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी आपका कोई फ्रेंड है फैमिली मेम्बर है वो आपके नए प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा है आप उसे अटेंशन दोगे तभी तो आगे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगी तो जब बायर है इन्फॉर्मेशन से एक्सपोज होता है तो अटेंशन होती है तो अटेंशन किसको देना है किसको नहीं देना है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि बायर्स है उसके लिए उस इंफॉर्मेशन की सेंसिटिविटी कितनी है कि उसे वो इंफॉर्मेशन चाहिए थी उसी की ज़रूरत है या नहीं है किसी को अभी लैपटॉप परचेज करना है और लैपटॉप के रिगार्डिंग उसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो उसे अटेंशन देगा किसी दूसरे ने अभी लैपटॉप परचेज किया है वो उतनी ज़्यादा अभी फ़िलहाल अब अटेंशन नहीं देगा नेक्स्ट क्या है स्टीनलेस एम्बिग्यूटी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही हैं ज़रूरी नहीं है कि आप हर इन्फॉर्मेशन के थ्रू उस प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को निकाल सको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को निकाल सको तो ये आपको क्या लीड करती हैं स्टीमलेस एम्बिग्यूटी तो आपको स्टीमलेस एम्बिग्यूटी हो जाती है तो इसको कम करने के लिए फिर हम आगे क्या करते हैं ओवर्ड सर्च करते हैं जैसे कि आपने किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की एड देखी आपने उसे अटेंशन दिया लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई कि चार्जिंग कैसे होगी पिकअप कितना होगा एक बार सिंगल चार्ज में कितनी चलेगी अगर बारिश के टाइम में है बैटरी है उसमें पानी भर गया तो क्या होगा कैसे बैटरी प्रोटेक्ट होगी अगर है बिजली कड़क रही है तो उससे कहीं बैटरी है उस पर तो बिजली पकड़कर आग नहीं लग सकती तो ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चनस होंगे तो इससे उसे स्टीमलेस एम्बिग्यूटी हो जाएगी तो जब वो स्टीमलेस एम्बिग्यूटी हो जाती है तो वो कस्टमर खुद आगे से इंफॉर्मेशन को सर्च करता है वो आगे शोरूम में इंफॉर्मेशन पूछ सकता है नेट पर सर्च कर सकता है कोई आर्टिकल पढ़ सकता है तो इसे हम क्या बोलते हैं ओवर्ड सर्च बोलते हैं और लास्ट क्या है परसेप्चुअल बायस अब वो अपने उस इंफॉर्मेशन की रिसेप्टिविटी को अपनी नीड के बेस पर बायस कर लेगा कि इंफॉर्मेशन उसके काम की है या नहीं है जैसे किसी ने देखा उसे सर से पता चला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी बहुत महंगे हैं एज़ कंपेयर टू पेट्रोल डीजल व्हीकल तो वो क्या बायस बना लेगा क्या परसेप्शन बना लेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी फ़िलहाल अच्छे नहीं है पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ ही बेस्ट हैं कोई दूसरा पर्सन है उसके लिए कोई बजट ज़्यादा मायने नहीं रखता था लेकिन उसने देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो एक सिंगल चार्ज में साढ़े तीन सौ चार सौ किलोमीटर चल रही है और उसे डेली की गाड़ी चालीस पंद्रह बीस किलोमीटर ही चलानी है और उसे चार्जिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए परसेप्शन पॉजिटिव हो जाएगा अब नेक्स्ट क्या है लर्निंग कंस्ट्रक्ट लर्निंग कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या बताया था कि जब हम एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं यानी किसी प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं अब हमें उस इंफॉर्मेशन की नॉलेज हो गई तो उस प्रोडक्ट को परचेज करने की लर्निंग हो गई तो अब हम बार बार इसको प्रोसेस को परचेज करेंगे बार बार उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो वो हमारी लर्निंग हो गई और हम अब एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से रूटीनाइज प्रॉब्लम बिहेवियर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो कैसे लर्निंग होती है एक्सटेंसिव से रूटीनाइज की तरफ तो ये किसके थ्रू बताया गया है लर्निंग कंस्ट्रक्ट के थ्रू बताया गया है तो ये बेसिकली सेवन होते हैं तो फर्स्ट क्या है मोटिवस तो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपकी लर्निंग है एक्सपीरियंस नॉलेज कब होगा जब उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के पीछे आपका मोटिव होगा तो हमें धीरे धीरे पता चल जाता है कि हमारा उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के पीछे क्या मोटिव है कि हम कार खरीदना चाहते हैं तो हमें पता चल गई कि, कि कार खरीदने के पीछे मोटिव एवरेज भी हो सकता है इंटीरियर भी हो सकता, हो सकता है सेफ्टी भी हो सकती है मोबाइल फोन को परचेज करने के पीछे जो मोटिव है वो कैमरा क्वालिटी भी हो सकती है रैम भी हो सकता है प्रोसेसर भी हो सकता है स्क्रीन साइज भी हो सकता है स्क्रीन रिजोल्यूशन यानी कि डिस्प्ले भी हो सकता है नेक्स्ट क्या है ब्रांड कंप्रिहेंसव अब आप क्योंकि है एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रोडक्ट्स के बारे में कंपनीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो आपको ब्रांड्स की समझ हो जाती है इंफॉर्मेशन आ जाती है जैसे कि गाड़ी में सेफ्टी अगर है तो आपको समझ में आ गया टाटा की गाड़ी बेस्ट है एवरेज है तो आपको समझ में आ गया मारुति की गाड़ी बेस्ट है सर्विस है तो आपको समझ में आ गया टोयोटा की गाड़ियाँ रिलायबिलिटी के बेस पर सबसे बेस्ट हैं नेक्स्ट क्या आएगा चॉइस क्राइटेरिया अब आपको पता चल गया है कि किसी भी प्रोडक्ट को हम परचेज़ करते हैं तो जो आपस में अलग अलग कंपटीटर्स हैं उन कंपटीटर्स में हम किन किन क्राइटेरियाज़ के बेस पर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं यानी कि चॉइस करते हैं आपको पता चल गया कि जिन चॉइस क्राइटेरिया पर आप स्मार्टफोन्स परचेज़ कर रहे हो उन्हीं चॉइस क्राइटेरिया पर आप ऑटोमोबाइल को परचेज नहीं कर सकते और जिन चॉइस क्राइटेरिया पर आप ऑटोमोबाइल को परचेज़ कर रहे हो उन्हीं चॉइस क्राइटेरिया के बेस पर आप ए को परचेज नहीं कर सकते नेक्स्ट क्या है एटीट्यूड अब आपको चॉइस क्राइटेरिया पता है और उस चॉइस क्राइटेरिया के बेस पर आप उस ब्रांड को इवोलवेट करते हो और उस ब्रांड का आपके लिए एटीट्यूड बन जाता है जैसे कि आपने एक चॉइस क्राइटेरिया देखा सेफ्टी तो उसमें आपको पता चला और आपने टाटा की गाड़ियां देखी कि काफ़ी हैवी गाड़ियां हैं और ग्लोबल एनकेप में फाइव स्टार मिला है तो आपका टाटा की गाड़ियों के लिए सेफ़्टी के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया आपने मारुति की गाड़ी हैं उनके बारे में सुना एक्सपीरियंस किया कि अच्छी एवरेज दे रही हैं तो एवरेज के लिए मारुति की गाड़ियों का एटीट्यूड आपके लिए क्या हो गया पॉजिटिव हो गया फिर नेक्स्ट क्या है परचेज इंटेंशन अब जब एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हमने इंटेंशन बना ली कि भैया कि हम जब कभी भी गाड़ी खरीदेंगे तो टाटा की गाड़ी खरीदेंगे या फिर जब हम कभी भी गाड़ी खरीदेंगे तो मारुति की गाड़ी को परचेज करेंगे फिर नेक्स्ट क्या है कॉन्फिडेंस अब आप उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ते रहते हो आर्टिकल पढ़ते रहते हो तो आपका और कॉन्फिडेंस आता जाता है जैसे कि आपने कोई वीडियो देखा यूट्यूब पर कि एक गाड़ी है टाटा एल्ट्रोज उसका एक्सीडेंट हो गया और फाइव स्टार रेटिंग की वजह से पैसेंजर्स की जान बच गई तो आपका अपने उस इंटेंशन पर कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हो जाता है आपने कोई यूट्यूब का वीडियो देखा कि किसी ने मारुति स्विफ्ट है उस गाड़ी से इतने किलोमीटर या अट्ठाईस किलोमीटर या सत्ताईस किलोमीटर की एवरेज निकाली तो आपका मारुति की गाड़ियों के लिए कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हो गया फिर नेक्स्ट क्या है जब आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हो यूज़ करते हो तो जो आपने क्राइटेरिया में बनाए थे चॉइस क्राइटेरिया अगर प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग है तो आप सेटिस्फाइड हो गए फीचर्स उससे ज़्यादा मिल रहे हैं सेटिस्फेक्शन उससे ज़्यादा मिल रहा है तो आप डिलाइटेड हो गए और जैसा आपने सोचा था उससे बहुत कम उससे आपको उस प्रोडक्ट से मिल रही है वैल्यू तो आप डिसेटिस्फाइड हो गए तो सेटिसफैक् हो गए आप तो आप बार बार रिपीटेडली उस प्रोडक्ट को क्या करोगे परचेज करोगे तो जैसे ही उस प्रोडक्ट की नीड अराइज होगी आप डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को क्या कर लोगे परचेज कर लोगे तो आपका जो बिहेवियर है वो एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से रूटिनाइज प्रॉब्लम की तरफ आ गया और लास्ट क्या है रिस्पॉन्स आउटपुट्स या आउटपुट वेरिएबल्स तो आउटपुट वेरिएबल्स का मतलब क्या है स्ट्यूमलेस इनपुट के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिली हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट में परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट के बेस पर हमारा उस प्रोडक्ट के लिए परसेप्शन बन गया अब जब हमें उस प्रोडक्ट की नीड अराइज़ हुई तो हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स आउटपुट या आउटपुट वेरिएबल्स बोलते हैं तो ये बेसिकली फाइव कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं अटेंशन कंप्रिहेंशन एटीट्यूड इंटेंशन और परचेज तो ये एक हिरारकी में होते हैं अटेंशन से एंडिंग अप विद परचेज़ तो फर्स्ट क्या है अटेंशन सीधी सी बात है जब आपको उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप उस प्रोडक्ट को क्या दोगे अटेंशन दोगे उसकी एडवर्टाइजमेंट्स को अटेंशन दोगे उसकी इन्फॉर्मेशन को अटेंशन दोगे फिर सेकंड क्या है कॉम्प्रिहेंसन अब आप जो इंफॉर्मेशन मिली है आपको आपने उसे अटेंशन दिया है आप उसे प्रोसेस करोगे माइंड में स्टोर करोगे और उस प्रोडक्ट की उस ब्रांड की उस कंपनी के बारे में समझने की कोशिश करोगे और जब आप समझ जाओगे उसके बेस पर आपका उस प्रोडक्ट के लिए उस कंपनी के लिए उस ब्रांड के लिए एटीट्यूड बनेगा आप उसे लाइक like करोगे तो एटीट्यूड पॉजिटिव है आप उसे डिसलाइक करोगे तो एटीट्यूड नेगेटिव है और अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बना तो फ्यूचर में आप उस प्रोडक्ट को खरीदने की इंटेंशन रखोगे और आप जब उसकी ज़रूरत क्योंकि अभी आपको है तभी आप आउटपुट बिहेवियर शो कर रहे हो तो आप शोरूम पर जाकर उस प्रोडक्ट को क्या कर लोगे परचेज कर लोगे या फिर ऑनलाइन उस प्रोडक्ट का आप ऑर्डर दे सकते हो क्लियर है और लास्ट क्या आ जाता है इसमें एक्सोजीनियस वेरिएबल कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी नीड अराइज़ हुई हमने जिस प्रोडक्ट को परचेज करने के बारे में सोचा था हम उस प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं कर पाते हैं या ओवरऑल हम प्रोडक्ट को ही परचेज नहीं कर पाते हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ये डिटरमाइन करते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं एक्सोजीनियस वेरिएबल्स बोलते हैं वो एक्सोजीनियस वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं सोशल प्रेशर फाइनेंशियल स्टेटस टाइम पर्सनैलिटी अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल जो एनवायरमेंट की तरफ से आया है तो इसे क्या बोलेंगे हम एक्सोजीनियस वेरिएबल्स बोलेंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है वो दस लाख की गाड़ी परचेज करना चाह रहा था लेकिन तभी उसे कुछ लॉस हो गया और फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो वो अब इतना पैसा गाड़ी खरीदने में खर्च नहीं करना चाहता तो वो पाँच या छः लाख रुपए की गाड़ी परचेज कर लेता है बाकी पैसे वो अपने पास अभी फ़िलहाल सेव कर कर रख रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे एक्सोजीनियस वेरिएबल्स बोलेंगे या फिर आपने एक पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट को फाइनल कर लिया था आप खरीदने ही वाले थे तभी कंप्टीटर ने कोई अच्छा मॉडल अपडेटेड मॉडल लॉन्च कर दिया तो आपने उस कंपनी के प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को क्या कर लिया परचेज कर लिया तो कोई भी फैक्टर जो कि आपने इंटेंशन बनाई थी उस प्रोडक्ट को या ब्रांड को परचेज करने की उसको आप चेंज कर देते हो पोस्टपोन कर देते हो डिक्लाइन कर देते हो तो उसे ही हम क्या बोलते हैं एक्सोजीनियस वेरिएबल्स बोलते हैं तो इसी के साथ ही आपका लेक्चर नंबर फोर जिसमें हमने हावर्ड सेठ मॉडल ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग पढ़ा है कंप्लीट होता है थैंक यू वेरी मच